आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी चीज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे सकारात्मक वाक्य कहा जाता है, सिंपल एकदम, और उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस, जिसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, जिसमें नहीं शब्द आते हैं सेंटेंस में उसे नकारात्मक कहते हैं, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे आप, जिसमें प्रश्न, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, जिसमें सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहां आदि शब्द आए हुए होते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये सभी चीजें सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएक्सर में, और इसे पूरी तरह से सीखने के लिए इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। अगर कंसेप्ट आप समझ गए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसको सीखने के लिए नजरें बोर्ड पर गड़ा लीजिए और देखिए ध्यान से। देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए एक ही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही चीज आपको केवल एक ध्यान रखनी है कि हिंदी के सेंटेंसों को किस तरह से इंग्लिश में एडजस्ट किया जाता है, वो एडजस्ट करने का ये तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, कि इस तरह से आप हिंदी के सेंटेंसों को इसमें रखेंगे। और उसके बाद अब ये किस टेंस का है उसको आप पहचानेंगे कैसे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आज हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। तो उसके लिए आपको इसके पहचान याद रखनी पड़ेगी कि हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तभी आप उसके रूल को फॉलो करेंगे। तो ये चीज तो आपको एकदम याद ही रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एकदम पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, ये आप सीख गए। उसके बाद जब आप समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसके बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बस ये दो चीज अगर आपको याद है तो आप पूरी तरह से सेंटेंस बना लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल होता है, और वर्ब जो है सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और डू या डज का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब है ये, डू या डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये डज लगती किसके साथ है, डू किसके साथ, यहां देखिए आप, आई, यू, वे, दे, इतने चार सब्जेक्ट हैं, इनके साथ में डू का इस्तेमाल किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इन सब्जेक्टों के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाता है। और उसके बाद ही, सी, इट, और किसी भी का नेम हो, किसी का भी नेम हो, नाम हो, किसी का भी नाम हो, लड़के का हो, लड़की का नाम हो, तो उसके साथ भी यही लगेंगी, यही हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, ठीक है। और वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब डज कहां इस्तेमाल होगा, एस या ईएस कहां इस्तेमाल होगा, ये हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। ये आप केवल याद रखिए, ही, सी, इट के साथ डू या डज का इस्तेमाल होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है केवल इन्हीं सब्जेक्ट के साथ में, केवल इतने सब्जेक्ट के साथ में, ही, सी, इट और किसी के भी नाम के साथ में। तो आप पहचान समझ गए हेल्पिंग वर्ब किसके साथ, ये इसमें डू या डज का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ लगेगी, और इतने सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा, इतने सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब लगेगी वो हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। ये आप चीज समझ गए हैं, तो चलिए अब हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि किस तरह से हमें इन चीजों को यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंसेस जिसे कहा जाता है अफर्मेटिव, उसके एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आइए उन्हें हम समझते हैं कायदे से। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक, एकदम सिंपल। सबसे पहले तो आप पहचाने इसमें कि ये किस टेंस के हैं, उसके लिए देखिए यहां पर लास्ट में ता है, ता हूं, आप पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। ता ही, ती है, ते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये पहचान मैंने बताई थी। अब आप उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल है अब इसमें आप लगाएंगे। देखिए, अब ये सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो इसमें एक स्ट्रक्चर हमने बताया था सेंटेंस इंग्लिश के बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस हिसाब से इसको रखा जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट आई का माई सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखिए दो टेंस हैं, टेंस 12 होते हैं, केवल दो टेंस ऐसे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस। यही टेंस के दो अपवाद ऐसे टेंस हैं जिसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इन दोनों में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज इन दोनों टेंसों में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इन दोनों टेंसों में निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यही दो टेंस ऐसे हैं पूरे 12 टेंसों में जो अपवाद हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज शुरू से नहीं होता है। बाकी जितने भी टेंस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव से होता है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखिए, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब देखिए हमने नहीं लगाया, डू या डज का यूज नहीं किया, ठीक है, निगेटिव से करेंगे। यहां देखिए आई के बाद वर्ब रख दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट लिख दिया उसके बाद वर्ब, याद करना वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद जो सेंटेंस में बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो माई लेसन, अपना पाठ, माई लेसन, ठीक है। अब आई के साथ अपने के लिए क्या लगा, माई, ठीक है। तो ये आई के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा, इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसे आप जो ये लाल पट्टी ऊपर आ रही है, ये सफेद पट्टी आ रही है आई की, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आई के साथ अपने के लिए, यू के साथ अपने के लिए, दे के साथ अपने के लिए, या किन सब सभी सब्जेक्टों को ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह से यूज किया जाता है, उसे बनाया गया। आप उस पर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पे देखा आपने, सब्जेक्ट को रख दिया, फिर वर्ब रख दिया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, अपना पाठ, माई लेसन, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सीता गाती है, सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गाती है, ठीक है, इसका हमने रख दिया सिंग, उसके बाद एक मधुर गाना, एक मधुर गाना, ये ऑब्जेक्ट है आपका, आ स्वीट सॉन्ग। अब देखिए एक चीज हमने बताया था, एस या ईएस का यूज किया जाता है, किसमें, ही सी इट या किसी भी नाम के साथ में। तो यहां देखिए सीता है, ये सीता है, तो इसमें वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसको सिंग लिखेंगे, सिंग्स, तो एस लग जाएगा इसमें केवल, ठीक है, ये चीज लगती है, ये ध्यान देने वाली चीज है, इसमें एस लग जाएगी सीता के साथ, जब किसी भी नाम या ही सीट, हम पहले बता चुके हैं किसमें लगेगा, वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। जो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि किसमें क्या सही बैठ रहा है, उसे रख दीजिए। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, तुम एक पत्र लिखते हो, तो तुम सब्जेक्ट तुम है, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद वर्ब, लिखना, लिखते हो, राइट लिख दिया, उसके बाद बचा एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सबसे आखिरी में ऑब्जेक्ट लिख दिया, आ लेटर, खत्म सेंटेंस, यू राइट अ लेटर, बस इतना सीख गए, समझ लिया, अफर्मेटिव आप सीख गए। चलिए आप निगेटिव की तरफ पढ़ते हैं और निगेटिव का यूज करके आपको बताते हैं कि किस तरह से निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आइए, निगेटिव के सेंटेंस आपके सामने आ चुके हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं कि किस तरह से इन्हें बनाया जाता है। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आया हुआ होता है, नहीं आया है तो इसका मतलब ये निगेटिव है, ये तो क्लियर है। उसके बाद ये किस टेंस का है, तो उसके लिए आप देखेंगे आखिरी में, ते है, ये आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है क्योंकि नहीं आया है, इसलिए निगेटिव है। अब किस तरह से बनाते हैं देखिए, इसको पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस यही रूल है। अब देखिए, वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो वे अपना पाठ याद नहीं करते, यानी ये नहीं करते हैं ये लोग, तो यही इनके बारे में कह रहे हैं, यही सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जाता है, वही सब्जेक्ट होता है, वही करता होता है, तो इसे हमने दे लिख दिया, ठीक है, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहां से इस्तेमाल होता है निगेटिव से, डू का इस्तेमाल हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, दे डू और नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश लिखी जाती है किसी भी टेंस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है, दे डू नॉट, ये हो गया, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब ये है याद करना, याद करना, लर्न, उसके बाद बचा, जो क्या बचा इसमें, अपना पाठ, देयर लेसन, दे के साथ अपने के लिए, ठीक है, ये आप पहली वीडियो बन चुकी है, उसे आप, मैं एक बार फिर कहूंगा कि उसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसे देख लीजिए, और एक प्रीपोजिशन की वीडियो है उसे भी देख लीजिए, ये बेसिक चीज है, वो पहले आप सीख कर उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए, मैं यही हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, आप इसे उसके बाद देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये सेंटेंस दे डू नॉट लर्न देयर लेसन। अगला सेंटेंस देखिए, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले वह सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। बताया हमने पहले भी आपको कि ही सीट के साथ या किसी के नाम के साथ डज का यूज होता है, डज हेल्पिंग वर्ब ही सीट के साथ लगती है, तो ही के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके बाद नहीं लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर ये नॉट तो लिख ही दिया, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब क्या है, जाना, गो, उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट है स्कूल, स्कूल जाना, टू गो टू स्कूल, ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब एक चीज यहां पर देखिए, पिछले सेंटेंस में हमने आपको बताया अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट या फर्स्ट फॉर्म में ही सी इट या किसी के नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, मगर निगेटिव में नहीं लगेगा क्योंकि यहां डज का यूज हो गया है, ठीक है, डज का यूज हो रहा है, तो निगेटिव से निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज का ही यूज होता है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगता है, केवल डज लगाएंगे ही सीट के साथ और बाकी सबके साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इसमें डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी में लगनी है, आप याद ही रखिए, खाली अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता है, निगेटिव में से फिर हेल्पिंग वर्ब चालू हो जाती है। तो ये सेंटेंस आप समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ और उसे समझाते हैं कि इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस समझ लेते हैं कि उन्हें भी किस तरह से बनाया जाता है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये इसे कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या क्यों कब कहां कैसे ये इसमें से कोई भी शब्द वाक्य के बीच में आया हो। तो देखिए क्या क्यों कब ये शब्द आए हैं, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं जिसमें कुछ पूछा गया है, क्या क्यों कब, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव है। अब ये किस टेंस का है, उसके लिए आप लास्ट में देखिए, ता है, ती है, ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इसमें रूल लगाइएगा। अब इसमें आपने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद ये इंट्रोगेटिव का है, तो इंट्रोगेटिव के रूल में कुछ चेंज नहीं है, बस इतना है आपने सीखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो आती है सब्जेक्ट के बाद में उसको उठा के पहले कर दिया जाता है। ये वाला सेंटेंस आप बाद में देखिएगा, पहले यहां से देखिए, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद में उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं इंट्रोगेटिव में, बस इतना सा काम है। और उसके बाद क्या क्यों कहां कैसे इसकी कुछ जो शब्द आया है उसकी इंग्लिश उससे भी पहले लिख दिया जाता है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। कब आया है, ये सब्जेक्ट से पहले हमने इसको रख दिया हेल्पिंग वर्ब और उससे पहले इसकी इंग्लिश, ये क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमने लिख दिया। अब देखिए कैसे बनाए, वह यहां क्यों आती है, ठीक है, तो क्यों हमने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको पहले और उसके पहले उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी, सेंटेंस बन गया आपके सामने। व्हाई डज सी कम हियर, वह यहां क्यों आती है, समीर स्कूल कब जाता है, तो यहां पे पूछा गया समीर कब स्कूल जाता है, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो लिखते समीर स्कूल जाता है, समीर गोज टू स्कूल, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में इसके बाद इस नाम के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगी है उसको उससे पहले रख दिया और उससे भी पहले इसकी इंग्लिश जो क्वेश्चन वर्ड आया उसकी इंग्लिश, बाकी सब अफर्मेटिव और निगेटिव की तरह ही बनाने हैं आपको सेंटेंस, और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। समीर कब स्कूल जाता है, व्हेन डज समीर गो टू स्कूल। अब ये वाले सेंटेंस पे आते हैं, क्या मैं स्कूल, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, तो इसमें देखिए क्या शब्द आया है, आई सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को कर दिया, मगर क्या की इंग्लिश नहीं लिखी, यहां पे ये मार्क करने वाली चीज है, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या की इंग्लिश नहीं लिखी, क्या शब्द जो है वो अगर वाक्य में सबसे पहले आता है किसी भी टेंस में तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब आप लिख दीजिए, जो सब्जेक्ट के साथ में लगती है जो हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, उसका मतलब हो जाएगा क्या, ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आया होता तो उसकी इंग्लिश इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखी जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या तुम्हें, मैं तुम्हें एक पेन देता हूं, डू आई गिव यू अ पेन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब ये यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से यूज किया जाता है वो वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से इंट्रोगेटिव बनाए जाते हैं। अब हम आपको कुछ
अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, अगर ये सेंटेंस आपको बनाना समझ में आ गए हैं तो ये होमवर्क आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे देखिए और इसे करके इसी क्रम में आप हमको इसके आंसर कमेंट करके दे सकते हैं, तो हमें पता चले कि किसको आ गया किसको नहीं आया, तो ये आप हमें करके बताइएगा। Now I want to say Jack sir is the only channel on YouTube where you can learn every part of grammar free of cost and without any fees and without waste of time. Only you will have to subscribe our channel to receive notification of every video which is completely free for you. Thank you for watching this video. We will meet again with the next video.